नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थोरिया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में धमाका हुआ है। इस ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 6 जवान घायल हो गए हैं। आपको बता दें, यह हादसा शनिवार सुबह करीब 6:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हुआ है। इसमें एक जवान गंभीर रूप से घायल हुआ है, उसे इलाज के लिए रायपुर के श्री नारायण अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस प्रशासन के द्वारा अन्य घायल जवानों का रेस्क्यू किया गया है। घटना के बाद रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसी आम नागरिक या फिर कोई दूसरा व्यक्ति को कोई हताहत नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि डेटोनेटर फटने से ब्लास्ट हुआ है। प्राथमिक तौर पर पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम राहत कार्य में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक सीआरपीएफ की 211वीं बटालियन के जवान स्पेशल ट्रेन से जम्मू जा रहे थे, तभी ग्रेनेड जो डमी कारतूस बॉक्स में रखा था ट्रेन की बोगी में रखते ही फट गया। ट्रेन में सीआरपीएफ बटालियन के जवान बड़ी संख्या में मौजूद थे। इसी दौरान बाथरूम के पास रखा डेटोनेटर फट गया, इसकी चपेट में 6 जवान आ गए। ब्लास्ट होने के बाद कुछ देर के लिए स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजने के बाद ट्रेन को सुबह करीब 7:15 बजे रवाना कर दिया गया। इसी दौरान सीआरपीएफ के डीआईजी भी रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए थे। बताया जा रहा है कि घायल जवानों को प्राथमिक उपचार दिया गया है, जिसके बाद उनकी हालत ठीक है। पुलिस ने घायल जवानों के बयान दर्ज कर लिए हैं। घटना की जाँच की जा रही है। डेटोनेटर किन परिस्थितियों में फटा, इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।